अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 और 9 सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 और 9 में डिटर्मिनेंट गिवन है और उसका आंसर भी गिवन है, तो हमने प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर ये आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें जो राइट साइड गिवन है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो हम इस फार्मूले को एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ साइड पे। तो ये देखें, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ABBCCA। यानी ये जो फार्मूला है, ये जो राइट साइड है वो इसके इक्वल होती है। अगर हम इस फार्मूले में देखें तो एक फैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी और एक फैक्टर ये है। अब ये वाला जो फैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, ये हम अगर इन दोनों कॉलम को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सी वन और सी टू, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये जो कॉलम सी वन है इसमें हमारे पास ये ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो हम इन दोनों कॉलम को प्लस करने से ये वाला फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंड करने से ये वाला फैक्टर निकाल लेंगे। तो अब हम इसे हल करते हैं। इसमें हम सी वन में सी टू प्लस कर देंगे, सी वन प्लस सी टू, तो ये आंसर आएगा हमारे पास। ये जो सी टू है इसको सी वन में प्लस करके लिख दें, ये ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही B में ये C प्लस A प्लस होगा तो ये भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ऐसे ही C में जब A प्लस B प्लस होगा तो ये भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड को प्लस किया तो फर्स्ट में आंसर आ गया। अब बाकी ये सेकंड और थर्ड एज इट इज़ आ जाएंगे, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, और ये थर्ड कॉलम भी एज इट इज़। अब देखें ये ए प्लस बी प्लस सी, सी वन में से कॉमन निकल आएगा, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम सी वन, तो ये ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। बाकी जो बचेगा, देखिए अब सी वन में वन वन बचेगा, सी टू एज इट इज, और सी थ्री भी एज इट इज। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये सी वन से एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंशन में देखें सी वन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वन है, ये लिखेंगे हम, और ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये चार एलिमेंट आ जाएंगे, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी और सी प्लस ए। फिर सी टू का सेकंड एलिमेंट लिखेंगे वन। अब देखिए जो सेकंड एलिमेंट है इसकी पोजीशन है ए टू वन, तो जो इंडिसेस है वो टू वन है, और टू और वन का सम थ्री है, ऑड नंबर है, इसलिए इस वन के साथ माइनस आएगा। तो देखिए अब ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये चार एलिमेंट बच जाएंगे, बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और सी प्लस ए। नेक्स्ट सी वन में ये तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, वो भी वन है। देखें इसकी पोजीशन जो है वो थ्री वन है, थ्री और वन का सम फोर है, इंडिसेस का सम इवन हो गया, तो इसके साथ प्लस आएगा। इसके लिए ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये चार एलिमेंट बचेंगे, बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए और बी प्लस सी।
इसको एक्सपेंड कर लें, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ये वन एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये c प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर ओपन कर दें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए बी ए सी बी स्क्वायर और बी सी। तो देखें ये ए डी माइनस बी सी होता है, इसलिए इनके साथ माइनस आएगा जो फार्मूले का, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। यहाँ पर आ जाएँ, ये आ जाएगा माइनस, ये बाहर आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास बी सी, जब सी प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बी सी ए बी सी स्क्वायर और ए सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। फार्मूले का माइनस, उससे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये सारे माइनस हो गए। अब इसके लिए आ जाए, यहाँ प्लस हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये होल स्क्वायर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू बी सी। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए सी बी सी ए स्क्वायर और ए बी। तो देखें फार्मूले के माइनस की वजह से इन सब के साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। ये ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। इसमें देखें जो चीज़ कैंसिल होती है वो काट दें, तो देखें क्या कैंसिल होगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़, और देखें ये माइनस बी स्क्वायर आ गया। फिर देखें ये टू ए सी है, ये माइनस ए सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए सी, और ये माइनस ए बी माइनस ए सी एज इट इज़, और ये माइनस सॉरी ये माइनस ए सी नहीं आएगा बल्कि इस जगह ये माइनस बी सी आएगा। इसमें देखें कोई चीज़ कैंसिल होती है तो काट दें, नहीं होती तो इसको भी एज इट इज़ लिख दें। इस माइनस से इनके साइन चेंज करते जाएं, ये आ जाएगा माइनस बी सी, ये देखें प्लस ए बी है और माइनस टू ए बी, तो माइनस ए बी आएगा, इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस सी स्क्वायर है, इस माइनस से माइनस सी स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए सी हो गया, ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएँ, ये है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें ये प्लस टू बी सी माइनस बी सी, तो क्या आंसर आएगा, प्लस बी सी, और ये माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। इसमें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो काट दें, देखें ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल। इसके बाद ये प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल। इसके बाद देखें ये माइनस बी सी ये प्लस बी सी कैंसिल। ये सी स्क्वायर प्लस है ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस है ये प्लस है, ये भी कैंसिल। इसके बाद ये माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी कैंसिल। अब देखें जो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं वो लिखें, तो वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, देखें ये सी स्क्वायर है माइनस बी सी है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस ए बी। इसको तरतीब से लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो देखें ये हमारे पास ये वाला दूसरा फैक्टर आ गया, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये इक्वल होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया।